आस्था उनके वाणी के द्वारा उत्साहित हो रही थी। अत्यंत उल्लास और आह्लाद पूर्वक 8 घंटे तक उन्होंने जो कुछ कहा उसका सारांश निमाइए है ना, सुन लीजिए। इनका नाम है श्री श्याम नारायण द्विवेदी और चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। ये जब करते रहते हैं इसलिए लाल प्यार से मैंने इनका नाम रख दिया निमाई। श्याम नारायण दुबे लोग नहीं जानते, अब निमाई नाम ही लोग जानते हैं। अशोक सिंघल जी ने जो कहा सुन रहे ना शुक्ल जी, अयोध्या जी के संतों को उचित समझें तो आप समय पर सुना दीजिएगा मेरा संदेश। एक दक्षिण के संत ने श्री गंगा जी का स्नान करते समय महाराज दिव्य दर्शन किया। हमने कहा क्या? उन्होंने देखा कि मोदी जी में राम जी का तेज समा गया है। अशोक सिंघल जी ने कहा 8 घंटे तक और भी बोलते रहे अत्यंत उत्साह आह्लाद पूर्वक। उसका सारांश है कि भाजपा को जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरएसएस, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, हमारे मंच की शोभा बढ़ाने वाले सभी संतों आचार्यों को हम झोंक देंगे, बिल्कुल भाजपा को जिताने में लगा देंगे। 8 घंटे की सीमा में बहुत उल्लासपूर्वक जब उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया, वृद्धावस्था के कारण मैंने देखा थक गए हैं, तब मैंने कहा आगे जो होगा वो सुन लीजिए और मिलाते जाइएगा। मैंने कहा कि कल्पना में क्या तुच्छता का परिचय, कल्पना कर लीजिए कि भाजपा जीत गई, मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, उसके बाद आप कहेंगे कि हिंदुत्व, राम जन्मभूमि, वो कहेंगे जम जाने दीजिए, कुछ स्थिर हो जाने दीजिए, ठीक 6 महीने बाद फिर आप याद दिलाएंगे, तब मोदी जी का जो वाक्य होगा वो सुन लीजिए। मोदी जी कहेंगे मैं विकास के नाम पर आया हूँ, हिंदुत्व और राम जी के नाम पर मैं नहीं आया, आपने अगर मेरा प्रचार हिंदुत्व और राम जी के नाम पर किया है तो आप जाने, अधिक अगर आप दबाव डालना चाहते हैं तो त्याग पत्र ले लीजिए। ठीक 6 महीने के बाद मोदी जी का वक्तव्य यही निकला समाचार पत्रों में, उसके बाद आप मौन हो जाएंगे। फिर जब आप एक कूटनीति का परिचय देंगे अशोक सिंघल जी, उसका स्वरूप यह होगा आप कहेंगे राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महोदय आदि को, न्यास के अध्यक्ष आदि महोदय को, मामला सुप्रीम कोर्ट का है इसलिए आप लोग मौन रहिए। मैंने कहा इस समय भी तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, अंत में आपको यही कहकर राम भक्तों से पिंड छुड़ाना होगा। आज अगर अशोक सिंघल जी होते तो 6 महीने के बाद उनको यह कहना ही पड़ा, आज की स्थिति को देखकर वो कष्ट पाते ही। मोदी जी ने बार बार कहा है मैं विकास के नाम पर आया हूँ, हिंदुत्व राम जी के नाम पर आप हमको लाए हैं भूल जाइए, ऐसी स्थिति में आपको यही कहना होगा कि केस तो सुप्रीम कोर्ट का दिन है, तो बात जैसी कही गई वैसी हो गई। कल श्री राम जन्मभूमि पर भी यहाँ पर्याप्त मंथन हुआ, विचार हुआ, सारांश जो निकला यहाँ के अधिवक्ताओं से भी हमने एकांत में परामर्श किया था, श्री शंभु नारायण श्रीवास्तव जी जो यहाँ के न्यायाधीश रहे हैं, उच्च
न्यायालय के बाद में छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त पद पर प्रतिष्ठित हुए, आजकल अवकाश प्राप्त हैं। उनसे भी श्री राम जन्मभूमि को लेकर बातचीत एकांत में हुई। घुमा फिरा कर सुप्रीम कोर्ट और सरकार दो तक व्यक्ति की दृष्टि जाती है। सरकार निर्भर है सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट निर्भर है सरकार पर। और यदि कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय आता भी है तो उसको व्यावहारिक धरातल पर क्रियान्वित होने दे, ना होने दे, विकृत करके होने दे, यथावत होने दे, यह सब शासन तंत्र के ऊपर निर्भर करता है। श्री राम जन्मभूमि की समस्या को सुलझाने के लिए पुरी में भी हमने एक गोष्ठी का आयोजन किया था, यहाँ भी कल इस पर पर्याप्त मंथन हुआ। एकांत में भी बहुत से महानुभावों ने अब तक परामर्श दिया है। किसी के पास कोई योजना नहीं है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, न्यायालय और शासन तंत्र के चंगुल में यह विषय पड़ा हुआ है। इन दोनों से हटकर या इन दोनों को प्रभावित करके कदम क्या उठाना चाहिए, या प्रभावित करने के लिए कदम क्या उठाना चाहिए, इस पर किसी के मस्तिष्क में कोई चीज़ आ नहीं रही। हमने इस संबंध में जो अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं उनको भी कहा, और जयपुर से जो अधिवक्ता आए थे उन सबों को कहा कि केस की आधारशिला ही बिल्कुल दिशाहीन है, क्योंकि मंदिर मस्जिद के नाम पर केस है। कदाचित तीन न्यायाधीशों में दो की सहमति से मंदिर बनने का प्रकल्प क्रियान्वित भी हो तो मुझे जो भविष्य दिखता है, फिर कहीं उग्र तत्व का शासन हो, दिशाहीनता न्यायालय की और बढ़ जाए तो बना बनाया खेल भी फिर धूमिल हो सकता है, ध्वस्त हो सकता है। इसलिए विचार करने की आवश्यकता यह है कि कोई भी देश कितने ही वर्षों तक परतंत्र क्यों न रहा हो, कभी अमेरिका भी परतंत्र था, मानवाधिकार की सीमा में उसे स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार सुलभ रहता है, और स्वतंत्र होने पर अपने उन मान बिंदुओं को जो आक्रामक शासकों के शासनकाल में लांछित किए गए, विकृत किए गए या विध्वस्त किए गए, उन्हें पूर्व रूप देने का, सुव्यवस्थित रूप देने का अधिकार प्राप्त होता है। या जो मैंने कहा इसके पीछे दो घटना भी प्रमाण के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं। पहली घटना, भारत स्वतंत्र हुआ संविधान के बाद प्रथम शासन कांग्रेस का केंद्र में हुआ, सब जानते हैं। वायसराय की मूर्तियां दिल्ली के चौराहे पर पार्क में थीं, कांग्रेस ने उनको हटवाया। पूछा गया कि वायसराय की मूर्तियों को क्यों हटवाया, उन्होंने कहा कि हमारी भावना पर आघात या चोट पहुंचती है, इसलिए वायसराय की मूर्तियों को हटा दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी का रुख देखा, नेहरू जी नहीं चाहते थे यथास्थान सोमनाथ मंदिर बने, उनकी उपेक्षा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से शिलान्यास करवाया, यथास्थान मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। दो साल पहले मैं दो दिनों तक वहाँ रह चुका हूँ। 100 मुस्लिम परिवार आसपास रहते थे, न गाली का प्रयोग न गोली का प्रयोग,
कुछ दूर जाकर सरदार वल्लभभाई पटेल ने बसा दिया। अब कालक्रम से भारत की वो स्थिति नहीं रह गई और कोई इतना मनोबल संपन्न राजनेता भी दृष्टिगोचर नहीं है। केस की आधारशिला हमारी दृष्टि में यह होनी चाहिए कि भारत स्वतंत्र है और मानवाधिकार की सीमा में अपने लांछित मान बिंदुओं को स्वस्थ अपेक्षित रूप देने में हम अधिकृत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस संदर्भ में विरोध का स्वर नहीं उठा सकता, उसकी लाचारी है। दूसरी ओर मैंने संकेत किया कि मुस्लिम तंत्र का बहाना है या सचमुच में मुस्लिम तंत्र इस मार्ग में अवरोधक है। शिया सुन्नी ग्रुप में केस जो देख रहे पत्रकारों ने गुप्तचर का काम किया, अंतर्निहित पॉकेट में स्थित मोबाइल का उपयोग करके उनके वक्तव्य को यंत्र में सन्निहित करके कल उद्भाषित कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, एक ईंट भी नहीं मंदिर बनने की तो बात ही क्या, हम सह नहीं सकते, हम मुसलमान हैं, कल स्पष्ट ही आया है। इसका मतलब अयोध्या में ही ताल ठोक कर कोई सामने खड़ा है, उसके पीछे कौन कौन सा तंत्र है अरब राष्ट्र आदि का वो भी मुझे मालूम है। अब मुस्लिम सज्जनों को यह समझना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत का विभाजन हुआ, विभाजित भारत में भी जैसा कि कल मैंने कहा गांधी जी ने कृपलानी जी आदि को आगे करके पांव पकड़ पकड़ के मुसलमानों को यहाँ से पलायन करने के लिए प्रेरित नहीं किया, रोका, यही निवास करने के लिए वो तत्पर हो गए। कालक्रम से उनको प्रसन्न रखने के लिए 370 धारा और आज भी संवैधानिक धरातल पर भारत और व्यावहारिक धरातल पर भारत के हिंदू एक नंबर के नागरिक नहीं हैं। स्वतंत्रता का कोई भी चिन्ह भारत में परिलक्षित नहीं है। शिक्षा पद्धति, रक्षा पद्धति, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प, उद्योग के प्रकल्प, सेवा के प्रकल्प बिल्कुल हमारे नहीं हैं और संविधान की आधारशिला हमारी नहीं है। स्वतंत्र भारत में हम एक नंबर के नागरिक भी नहीं हैं। 25वीं धारा की धज्जी उड़ाकर छल बल डंके की चोट से केंद्रीय शासन तंत्र ने, प्रांतीय शासन तंत्र ने सिख जैन बौद्धों को या सिख बौद्ध जैनों को हमसे पृथक कर दिया। एक एक हमारे घटक हमसे पृथक करके हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास किया जा रहा है और सेवा आदि के नाम पर तो उद्घोषित रूप से भी हिंदू क्रिश्चियन आदि हो रहे हैं। मेकाले की कूटनीति को और चक्रवृद्धि ब्याज से शासन तंत्र प्रश्रय देकर 100 वर्षों की अवधि में 3-4 पीढ़ियां हिंदुओं की बन गईं, जिनके हृदय और मस्तिष्क बिल्कुल सनातन आर्य हिंदुओं के अनुकूल नहीं है, अर्थात हमारे हृदय और मस्तिष्क पर ही क्रिश्चियन तंत्र ने या अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। IPS IAS जो भी पदाधिकारी, न्यायाधीश, अधिवक्ता आदि जो होते हैं उनका प्रशिक्षण, उनकी पाठ्य पुस्तकों में ऐसे विषाक्त सामग्री जिनके आधार पर वो भारत के भक्त हो ही नहीं सकते, सनातन सिद्धांत में आस्थान्वित हो ही नहीं सकते। जबकि इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। और एक 2-3 मिनट में और लूँगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है, इधर आपका ध्यान नहीं गया होगा, गया होगा तो उसको महत्व नहीं दिया होगा, शासन तंत्र को कहीं से कोई चुनौती प्राप्त नहीं है दृष्ट जगत में। सामाजिक तंत्र को ऐसा नहीं रहने दिया जिससे कोई चुनौती प्राप्त हो। शासन तंत्र को एक ही संगठन हिंदुओं का बलिष्ठ था,
जो आर्य समाज का ही विकसित रूप था आरएसएस, वो तो अब एक दल का प्रचारक भी ना जाता है और है भी, उसके द्वारा शासन तंत्र को कोई चुनौती प्राप्त नहीं है। सांस्कृतिक तंत्र जो हैं, महंत मंडलेश्वर नागा ये सब गिने जाते हैं बाबा, इनकी तो धारा धन मान की ओर है, भंडारा और दक्षिणा की ओर है, और संन्यास शास्त्र सम्मत एक आश्रम है जो उसका विकृत रूप यहाँ परिलक्षित हो रहा है। भारत के लिए कितना विषाक्त घातक होगा कहा नहीं जा सकता। उदारता के नाम पर उच्छृंखलता की पराकाष्ठा को आदर्श माना जा रहा है। शंकराचार्य नारायण यात्रा मंगलमयी हो नारायण, जिस देश में आतंकवादी भी शंकराचार्य बना के घुमाए जाते हों, उस देश के राजनेताओं की अकल सकल पर तरस आती है। पोप जी नकली नहीं, दलाई लामा नकली नहीं, प्रधानमंत्री नकली नहीं, मुख्यमंत्री नकली नहीं, नकली इंस्पेक्टर जेल के शिकंजे में, सोनिया और आडवाणी जी के दामाद बन के घूमने वाले जेल के शिकंजे में, लेकिन शंकराचार्य मजे से राज्य कर रहे हैं। वो आतंकवादी हैं कुंभ में, सबसे ज़्यादा सम्मान उन्हीं को शासन तंत्र देता रहा दे रहा है। अभी हमने वसुंधरा राजे जी को बताया, यहाँ आई थी, उनकी माता भी आती रही हैं। बाहर की स्वच्छता जागरूकता इस बार बहुत परिलक्षित हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं हुए जो हर तीन दिन में प्रायः बिना अंतराल के भी यहाँ आते रहे हों, स्वयं निरीक्षण करते रहूँ। तत्परता की पराकाष्ठा, जो अच्छाई है वो अच्छाई है, लेकिन अंदर अंदर कैंसर की पराकाष्ठा भी। अराजक तत्व जब शंकराचार्य आचार्य धर्माचार्य बना के घुमाए जाएंगे, उनको सहानुभूति शासन तंत्र के द्वारा प्राप्त होगी, उनको भी अपना वोट बैंक बना के रखा जाएगा, तो देश का उत्कर्ष होगा। या उत्कर्ष जिस उद्देश्य से जितना प्राचीन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है, उतना प्राचीन कुंभक प्रकल्प है, जिस उद्देश्य से इसका शुभारंभ हुआ, उसके ठीक विपरीतता का तांडव नृत्य दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लिए बहुत अभिशाप है। तो सांस्कृतिक तंत्र भी शासन तंत्र का खिलौना हो चुका है। हिंदू महासभा राजनीतिक दल होने के कारण हिंदुओं के हित में प्रयुक्त अभियुक्त हो संभावना ही नहीं है। शिवसेना राजनीतिक दल होने के कारण हिंदुओं के हित में प्रयुक्त अभियुक्त हो संभावना नहीं है, क्योंकि भारत में चर्चित जितने राजनीतिक दल हैं उनकी पहचान क्या है? सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता की पराकाष्ठा। उदारता के नाम पर पिशाच वृत्ति चपल रही है। कल भी मैंने कहा और इतना कहकर मैं इस समय के वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जो उदारता तुम्हारे अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए तुम्हें बाध्य करे, गांठ बांध लो। और उदारता उदारता नहीं, उदारता के नाम पर हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, और तुम्हारी उस उदारता को सामने वाला अगर दुर्बलता समझता है तो तुम सिद्ध करके दिखा दो कि हमारी उदारता उदारता ही है, दुर्बलता नहीं। विश्व के मुस्लिम तंत्र के साथ भी अपना तो स्नेह उचित सम्मान पूर्वक में तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती वेणी माधव सबको साक्षी रखकर एक संदेश प्रसारित कर रहा हूँ। अरब राष्ट्र बांग्लादेश पाकिस्तान में स्वप्न में भी हिंदुओं के प्रति इस उदारता का परिचय नहीं दिया गया जो स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के नाम पर विभाजन के बाद के स्वतंत्र भारत में मुस्लिम तंत्र के प्रति दिया गया है। तीन तीन आपके सज्जन यहाँ राष्ट्रपति बनाए गए, एक सज्जन गृहमंत्री बनाए गए, एक सज्जन मान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, कई सज्जन राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाए गए हैं।
हिंदुओं की इस उदारता को क्या दुर्बलता समझते हैं? अगर दुर्बलता समझते हैं तो आपका भविष्य अंधकार में है। भगवत कृपा से, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से 1,00,000 वर्ष आगे क्या होगा वो भी मुझे दिखता है। कोई चिकनी चुपड़ी बात झूठ बोलना मैं जानता नहीं। 1,000 वर्ष 10,000 वर्ष आगे क्या होगा वो भी मुझे गुरु गोविंद और ग्रंथ की महिमा से दिखाई पड़ता है। हमने संकेत किया कि यदि शिक्षा पद्धति, रक्षा पद्धति, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प, सेवा उद्योग के प्रकल्प, संविधान की आधारशिला सनातन सिद्धांत के अनुसार नहीं है तो भारत को कई टुकड़ों में बंटने की संभावना है। लेकिन जो तंत्र भारत की उदारता को दुर्बलता समझ रहा है उसका तो अस्तित्व भी विश्व में नहीं रहेगा। अतः श्री रामलला के प्रति अपनत्व का, भारत के प्रति मानवाधिकार की सेवा में कृतज्ञता का परिचय देकर मुस्लिम तंत्र को एक स्वर से कह देना चाहिए कि शासन तंत्र हमारे नाम पर बवाल न बचावे, श्री राम जन्मभूमि पर स्थान मंदिर बनने का ही प्रकल्प हो या हमारी भावना। अगर कोई मुसलमानों में ऐसा व्यक्ति नहीं है तो मुस्लिम तंत्र उसको दबोच के रखे। संकेत समझ गए। दूसरी बात, हिंदू बड़े भावुक होते हैं, प्राय अदूरदर्शी होते हैं, क्योंकि इनको तो आवश्यक ग्रंथों का अध्ययन नहीं, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन नहीं। तो वेदादि शास्त्र जो है वो दिव्य दृष्टि देते हैं ना। मैंने छांदोपनिषद के 8वें अध्याय के आधार पर परसों भी कहा, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सिद्ध होती है महाराज। इंद्रिय तादात्म्यपन जो जीव है, जैसे आजकल के राजनेता, राजनीतिक घटक, इनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक होती है। छांदोपनिषद 8वां अध्याय, मन जो है तो जीव का दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु है। इसलिए तैतृय उपनिषद में मनोमय कोष में वेद की प्रतिष्ठा है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का नियम अकार्य होता है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदार्थ सिद्ध्यति। जो कुछ त्रिकाल गर्भित पदार्थ हैं, मन भगवान का वचन है, उनका अधिगम ज्ञान वेदों से होता है। वेदों का बीज प्रणव ओंकार है। यत्र कालातीतम तदप्य ओंकार एवं कालातीत पदार्थ का अधिगम भी अव्याकृत भगवान परमात्मा ब्रह्म। ये कालातीत पदार्थ जो हैं, हिरण्य गर्भ से अतीत जो पदार्थ अंतर्यामी सर्वेश्वर ब्रह्म, ये कालातीत बताए गए हैं, उनका अधिगम भी वेदों के द्वारा होता है। यही लक्षण मन का है। काल गर्भित और कालातीत दोनों तत्वों में मन की गति होती है। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों कि भारत की आधारशिला तो गलत है ही। ये जो सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि को लेकर केस चल रहा है, बिल्कुल इसकी आधारशिला गलत है। शासन तंत्र को अपने उन्माद को छोड़कर, प्रमाद को छोड़कर, अहंकार आलस्य को छोड़कर एक कदम उठाना चाहिए कि भारत स्वतंत्र है, इसकी उदारता का कोई तंत्र दुरुपयोग न करे, रामलला का मंदिर वहीं बने। साथ ही साथ सुब्रह्मण्य स्वामी आदि को भी मैंने कह दिया, एक दो वाक्य और सुनिए। सरयू पार मस्जिद बन जाए, ऐसा कहने वाले अदूरदर्शी हैं। उसी की अनुकृति शेष दो स्थलों पर की जाएगी तो भारत में नए 3 पाकिस्तान बन जाएंगे। भले दो की चर्चा ना हो, मथुरा की चर्चा ना हो, वाराणसी की चर्चा ना हो, लेकिन आज का विभाजित उत्तर प्रदेश भी 3 विश्वयुद्ध का केंद्र तो है। तीनों स्थलों को विश्वयुद्ध का केंद्र बना दिया गया है। समस्या का समाधान ऐसा करने का मार्ग प्रशस्त किया गया, इतना तिरोहित हो गया कि विश्वयुद्ध का केंद्र बना दिया गया। मुझे अंदर की चीज मालूम है। श्री राम जन्मभूमि को लेकर अगर कोई कदम उठाया जाता है भावुकता में, शेष 2 स्थलों पर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित है। 3 नए पाकिस्तान को जन्म देना है। इसलिए
बाबर के नाम से कई मस्जिद न बने, अगर बनाए बिना न रहा जाए तो जहाँ बाबर की समाधि या कब्र है वहाँ बनाओ तुम। भारत ने, बृहद भारत ने, विश्व में कहीं भी बाबर के नाम पर मस्जिद न बने, बनाए बिना आपको नहीं रहा जाता है, तो जहाँ बाबर के कब्र है वहाँ बनाओ ही, और कहीं समझ गए। तो आधारशिला अभी जो है मंदिर मस्जिद को लेकर है, आपका ध्यान नहीं गया। कानून के दृष्टि से विचार कीजिए, हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको प्रशिक्षण दिया, धर्म सम्राट कर्पाती जी महाराज ने, घटना प्रमाण नहीं होती है। अमुक व्यक्ति नंगा नाचता है तो नंगा नाचना कोई प्रमाण नहीं है, विधि सम्मत घटना को प्रामाणिक मानते हैं। घटना मात्र को प्रामाणिक मानने पर तो उन्माद की पराकाष्ठा होगी, संविधान की आधारशिला है। एक न्यायाधीश मुस्लिम सज्जन ने क्या कहा यहाँ पर लखनऊ खंडपीठ, मस्जिद है तो नमाज अवश्य, क्योंकि नमाज पढ़ने के उद्देश्य से मस्जिद की संरचना। अगर नमाज पढ़ने का समय आ गया तो रेलवे स्टेशन पर भी मानसिक मनोराज्य में उसी स्थान को मस्जिद का रूप देख कर नमाज पढ़ते हैं। दो हिंदुओं ने क्या कहा, जजों ने मान लिया कि बाबरी मस्जिद, लेकिन मस्जिद हो नमाज हो अनिवार्य नहीं, लेकिन मंदिर हो तो मूर्ति प्रतिष्ठित हो तो आरती आदि अनिवार्य। जैसे आपके यहाँ मंदिर बनता है तो अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा, उसकी समर्चा लक्ष्य है, तो मस्जिद बनाई जाती है। समान बातों युक्ति से कहेंगे, घटना प्रमाण नहीं होती, अंध परंपरा प्रमाण नहीं होती है, प्रयोजन की सिद्धि कहीं नहीं हो रही है तो प्रमाद है, अंध परंपरा है। इसके आधार पर जब विचार किया जाएगा तो मंदिर है तो अर्चा विग्रह है, अर्चा विग्रह है तो पूजा प्रतिष्ठा समर्चा अनिवार्य है। इस आधार पर कदाचित मंदिर बन भी जाए तो भविष्य में डमांडोल स्थिति रहेगी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए केंद्रीय शासन तंत्र का दायित्व है कि वो ऊपर उठे। कल भी मैंने उदाहरण दिया था, पहले बिहार आदि में ऐसा धान होता था, वर्षा का जल यहाँ तक आ गया, तो धान की विशेषता होती तो उसमें बाली मंजरी पुष्प लगे और जहाँ पर धान हो वो एक बित्ता आ गया, बारह यहाँ तक पानी आएगा तो उसका ऊपर। समस्या के नीचे दबोगे तो मर जाओगे, पागल हो जाओगे। समस्या का दृष्टा होकर, साक्षी होकर उससे ऊपर रहिए। समस्या है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं। अब मैं एक अवसर देता हूँ, चुनाव के पहले ही केंद्रीय शासन तंत्र, मेरा दिया हुआ अवसर महत्व रखता है, समझ गए। मैं एक अवसर देता हूँ कि केस के आधारशिला गलत है, प्रमाण युक्त है, इसलिए यथास्थान मंदिर ही बनना चाहिए, मस्जिद का कोई प्रश्न ही नहीं है। अराजक तत्व, आक्रामक तत्व हमारे मान बिंदु को ध्वस्त करे तो सर्वसम्मत से पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। आक्रामक जो हैं वो मानवाधिकार की सीमा में कलंकित किए जाते हैं, उनके द्वारा उठाए गए कदम प्रामाणिक नहीं हो सकते। इसलिए हम घोषित करते हैं जिन तत्वों ने हमारे मंदिर को ध्वस्त किया, विकृत किया, वे आतंकवादी थे, मानवाधिकार की सीमा में मानवता के लिए कलंक थे। कलंकी व्यक्तियों के द्वारा उठाया गया प्रमाण नहीं होता कदम, उसके आधार पर कोई न्याय नहीं हो सकता, ये घोषणा करें। एक मैंने कह दिया, संशय शब्द का प्रयोग है महाभारत, संशयात्मा विनाशति, महाभारत का ही वचन गीता में है, लेकिन एक जगह संशय शब्द जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिस्क, उर्दू में कहते हैं जोखिम, संशय को वर्ण किए बिना महाभारत में, रिस्क लिए बिना कोई इतिहास की संरचना हो नहीं होती। संशय को मोल लेकर, रिस्क को लेकर सत्य की रक्षा के लिए व्यक्ति खड़ा हो जाए, हतोवा प्राप्त स्वर्गम, अगर मर गया तो उज्ज्वल इतिहास तो बना और जीवित रहा तो वो राज्य करेगा। इसलिए अगर जुआ ही खेलना है, सवर्ण स्वर्ण के नाम पर तुम जुआ खेल चुके, ईश्वर अल्लाह के नाम पर तुम लोग जुआ खेल सके, आदिवासी आगंतुक के नाम पर जुआ खेल चुके, जुआ जुआरियों का जो समुदाय है तब से शासन करा, जब जुआ और खेलो,
राम जी के नाम पर जुआ खेलो ना, राम जी के नाम पर जुआ खोलो। जिन तत्वों ने आघात किया भारत का संविधान, कहे या न कहे, हम कहते हैं कि उन्होंने मानवाधिकार की सीमा में धज्जी उड़ाकर बर्बरता का परिचय देकर आक्रमण किया। कहीं भी उनके आक्रमण के आधार पर उनका सर्प कहीं नहीं हो सकता। हम घोषणा करते हैं कि वो आक्रामक तत्व क्या थे, आतंकवादी थे, बर्बर थे और मानवता के लिए कलंक थे। कलंकी व्यक्ति के द्वारा उठाए हुए कदम के आधार पर न्यायालय नहीं चल सकता। अब कीजिए ना, इतना दम कम हो तो कीजिए। दूसरी बात अधिक न कहकर सुनिए श्री महानुभाव, भाव संशोधित गीता 17वां अध्याय। नियत शुद्ध हो, सफलता के 4 चरण हैं। नियत शुद्ध हो, नियत को क्रियान्वित करने की के लिए नीति भी शुद्ध हो, क्रियान्वित करने की विधा प्रोसेस या मेथड भी शुद्ध हो, और क्रियान्वित करने वाली टीम टोली सक्रिय सूझबूझ संपन्न और अनुशासित हो, तो इतिहास तो उज्ज्वल होता है, सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। कल मैंने एक बहुत ऊंचा संस्मरण सुनाया था, जो कि धर्म संघ के आप बहुत आदर्श स्नातक रहे हैं वृंदावन में, इसलिए मैं कहता हूँ। पूज्य धर्म सम्राट को कहा गया तिहाड़ जेल में, गोरक्षा अभियान को बल दिया जाए या चुनाव का अवसर आया है, गोरक्षा का उपयोग धर्म संघ ने जो वो वंश की रक्षा के लिए सहभागिता का परिचय दिया, क्रांति का परिचय दिया, उसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। जनसंघ की सरकार दिल्ली में बनी गाय के नाम पर, जबकि कोई हाथ उसका नहीं था 7 वर्ष 6 साल। मैं तो बद्रीनाथ से पैदल चल के आया था। पूज्य गुरुदेव का वाक्य, गाय के लिए रामराज परिषद है, रामराज परिषद के लिए गाय नहीं है। अरे राम जी के लिए भाजपा कांग्रेस आदि है, या राम जी का उपयोग तुम भाजपा कांग्रेस के लिए करते हो? राम जी के लिए काम करके दिखाओ, राम जी अनुग्रह करेंगे तो उनका अनुग्रह पर राज्य करो। तुम तो राम जी को धोखा दे रहे हो, देश को राम जी के नाम पर धोखा दे रहे हो, धोखा। और अंत में सज्जन, जितने राजनीतिक दल हैं ख्याति प्राप्त, एक राजनीतिक दल को जो दूसरे राजनीतिक दल से आप समझते चुनौती चुनौती नहीं है। एक की असफलता दूसरे की सफलता, दूसरे की असफलता पहले की सफलता, दूसरे की असफलता अगर हमारी सफलता बनती है तो हमारी पहचान क्या है? राजनीतिक दल जब सत्ता लोलता दूरदर्शिता की सीमा के बाहर है ही नहीं भारत में, तो राजनीतिक दलों को राजनीतिक दल से चुनौती नहीं प्राप्त है। जहाँ से चुनौती प्राप्त होनी चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए। अंत में महाराज तो भागवत के प्रसिद्ध कथावाचक हैं। अभी भी मैंने इनसे कहा था, ये कौन वसुंधरा राजे जी से, आजकल सुमित्रा जी को लोकसभा में जितना अधिकार प्राप्त है वाचस्पति होने के कारण, उससे अधिक इंद्र जी के पार्लियामेंट में देवताओं के लोकसभा में बृहस्पति जी का अधिकार था। यहाँ तो वाचस्पति बदलते रहते हैं क्या, और वहाँ बृहस्पति जी बदल जाते हैं क्या? बृहस्पति जी की आयु कई इंद्र से भी अधिक। पार्लियामेंट में पहुंचे आजकल की भाषा में, प्रभुता पाए काई मद नाही, प्रमाद बस देवराज इंद्र ने अभिनंदन नहीं किया, अभिवादन नहीं किया, देखा देखी अन्य देवताओं ने भी, न तो सेना का अपहरण किया बृहस्पति जी ने, न संपत्ति का अपहरण किया, न फूट डालने का कुछ काम किया, अपने आप को अंतरहित तिरोहित कर दिया। कालांतर में ब्रह्मा जी को अनुकूल कर लिया देवराज इंद्र ने, भगवान विष्णु को अनुकूल कर लिया। 1000 वर्ष तक तो मानसरोवर में उसको छिप के रहना पड़ा, गद्दी भी गई, नौजी प्रतिष्ठित हो गए, उसके प्रमाद से वृत्रासुर आदि का पाला पड़ा। भगवान विष्णु को भी कदाचित कोई अनुकूल कर ले, ब्रह्मा जी को भी अनुकूल कर ले, देवराज इंद्र सामान्य व्यक्ति नहीं होते, शतक क्रतु होते हैं, देवताओं के भी राजा सप्तर्षि आदि भी अभिनंदन करते हैं। उस अपनी मेधा शक्ति संपत्ति सेना के बल पर ही अगर सुरक्षित रहते हैं तो बृहस्पति जी की क्या उपयोगिता थी? देवराज इंद्र को बृहस्पति जी की उपयोगिता का ज्ञान है। आज मोदी जी को
परंपरा प्राप्त आचार्यों की महत्ता का ज्ञान नहीं है। राम भद्र को गुरु की महत्ता का ज्ञान था, और आजकल के शासक या पहले के शासकों को ज्ञान नहीं है। भारत में जितनी समस्याएं हैं, राम जन्मभूमि गोरख गाय को लेकर, गंगा आदि को लेकर, सती आदि को लेकर, ये समस्या नहीं, रोग के परिणाम को रोग मत समझिए। रोग के परिणाम को रोग समझकर चिकित्सा करेंगे चाहे खर्चित हो जाएंगे। समस्या आचार्य पीठ में विकृति लाने की योजनाबद्ध, आचार्य पीठ में विकृति लाने की एक ही समस्या है। जिस दिन कोई आचार्य इतर आचार्यों के द्वारा टांग खींचे जाने पर भी, इतर संतों के द्वारा टांग खींचे जाने पर भी धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करके अपने दायित्व का निर्वाह करके शासन तंत्र व्यास तंत्र दोनों के शोधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ये राम जन्मभूमि आदि की समस्या समस्या नहीं, मूल समस्या के विस्फोटक परिणाम है। और गंगा की जी की आप समझता गए हो ना, बैठो। अगर गंगा जी की समस्या को आप समस्या मानते हैं, यमुना जी, कृष्णा जी, कावेरी जी, क्षिप्रा जी, नर्मदा जी, सती जी, ले लीजिए राम जन्मभूमि जी, ये सब समस्या मानते हैं, एक एक समस्या का हल कीजिए, एक साथ विराट, एक साथ कितना भी बलवान राजा हो, दो मोर्चे पर पृथक पृथक एक साथ उससे चुनौती दे दीजिए। अगर वहाँ बृहन्नला के रूप में अर्जुन न होते गुप्त रीति से क्या होता, एक राजा पर दो मोर्चे से एक साथ हमला कर दीजिए, प्रभावशाली राजा भी चकनाचूर होने लगता है। यहाँ तो राजा क्या, यहाँ तो हम लोगों पर 1000 मोर्चे पर युद्ध करने की चुनौती दी जा रही है। ये रही गंगा की समस्या, ये यमुना की, ये राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, समस्या ही समस्या, समस्या ही समस्या, कितने मोर्चे पर कितने सैनिक झांप लगाएंगे। इसलिए अर्जुन के समान क्या देखता है अर्जुन, द्रोणाचार्य ने पूछा, वो लक्ष्य आंख नेत्र, उसमें भी बिंब, उसमें भी केंद्र, का तुम सफल हो जाओगे। तो हमने संकेत में यह भी कह दिया, ये सब रोग के परिणाम है, ये सब कोई समस्याएं नहीं है, समस्या एक है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। 12 साल समाज को अंग्रेजों ने प्रतिष्ठित करवाकर नेहरू जी से संतों को राजनीति का एजेंट बना दिया, उसी की नकल करके अशोक सिंघल जी ने धर्म संसद बनाकर भाजपा के प्रचार में संतों का उपयोग कर लिया। तो मलाई खाने वाले जो मजनू होते हैं वो मोर्चे पर काम नहीं देते। लैला ने कहा, मेरे मजनू, उसके पिता ने कहा, तेरा मजनू मलाई चाटने वाला है, मैंने घोषणा कर दी है, मजनू नामक व्यक्ति जिस हलवाई के यहाँ आवे, जितने चाट पकौड़ी रबड़ी मांगे दे देना, सब लैला का पिता भरण करेगा। एक एक दिन में उन दिनों 1000 रुपये के बिल आ रहे हैं, कितना चटोरा है तुम्हारा मजनू। उसने कहा, मेरा मजनू मेरे लिए रक्त दे सकता है, मलाई चाटने वाला मेरा मजनू नहीं हो सकता पिताजी। पाश्चात्य गाथा मैंने सुना भी, समझ गए ना, मलाई चाटने से संतों का अस्तित्व रहेगा क्या, संन्यास को विकृत करने से संतों का अस्तित्व रहेगा क्या, दिशाहीन राजनीतिक दलों के प्रचारक बनने से संतों का अस्तित्व रहेगा क्या, सब सिंहासन पर बैठ जाओगे तो कोई तुम्हें मानेगा। एक बड़ी विचित्र बात है, विचित्र बात यह है कि सभी संत एक समान, ठीक है भाई, आत्मा की दृष्टि से एक समान, पंचभूतों की दृष्टि से एक समान, फिर सुनिए, पंचभूत शरीराणाम सर्वेशां सदिशात्मनाम लोकधर्मे च धर्मे च विशेष कारणम कृतम यथैकत्वम पुनर्यान्ति प्राणस्तत विस्तरा, महाभारत में कहा गया। पूर्व पक्ष है, पंचभूतों की दृष्टि से हमारे आपके शरीर पंच भौतिक है, आत्मा की दृष्टि से एकत्व है, फिर ये वर्ण धर्म कहाँ से आ गया, आश्रम धर्म आ गया कहाँ से, आश्रमों धर्म में भी आचार्य धर्म कहाँ से आ गया। इसका उत्तर दिया गया, यथैकत्वम, प्राप्त भेद का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक पहुँच सके, इसलिए शास्त्र सम्मत जो भेद है उसका अपनोदन न करके अनुमोदन करना चाहिए, समझ गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों, मठ मंदिर पर भी इनका कब्जा है, सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे बड़े लाडले प्यारे
श्री श्री रविशंकर जी गए मुख्यमंत्री से मिले उड़ीसा में, 100 एकड़ लीजिए जमीन। हम आए थे तो 2 एकड़ में गुंडों से गिरा हुआ मठ मिला था, 4.5 एकड़ में अब है। उड़ीसा सरकार ने जगन्नाथ जी को कहा कि जगन्नाथ जी के स्वामी हैं, 1 इंच आपकी जमीन नहीं। जबकि अंग्रेजों के काल में शंकराचार्य का संस्थान स्वतंत्र स्टेट था, जगन्नाथ जी इस पीठ के देवता हैं, हमारे देवता हैं। आदि शंकराचार्य ने 145 वर्षों तक मूर्ति भंजकों के शासन काल में जगन्नाथ जी जब अदृष्ट गोचर थे पुनः प्रतिष्ठा की। हमारी संपत्ति 4.5 एकड़ भी हड़प ली उड़ीसा सरकार ने तहसीलदार के द्वारा। हमने मुस्कुरा कर एक वाक्य बोल दिया, मुख्यमंत्री के होश ठिकाने हो गए, वो किसी बाबा आदि को मानते नहीं, उनके पास बाबा जाते हैं, रामदेव भाई ये सब हमारे यहाँ आए, कहाँ चप्पल उतारे डरे हुए। हमने कुछ नहीं कहा। अब क्या हुआ, मंत्रिमंडल कैबिनेट से कहा गया शंकराचार्य को श्री मंदिर से जमीन लौटा दी जाए, जमीन की कीमत नहीं लेंगे, लिखा पढ़ी कीमत 1.5 करोड़ दें। लिखा पढ़ी कीमत 1.5 करोड़। हमने कहा बिल्कुल हमारे पास 1.5 करोड़ है ही नहीं, हम जिस मार्ग पर चलते हैं उसे बम गोले बारूद हैं, मलाई और नोटों के बंडल नहीं है। अब वो जमीन लौटावे न लौटावे, शंकराचार्य को इस प्रकार दंड दिया जाता है जिस भारत में, समझ गए, कहीं 100 एकड़ 1000 एकड़ दे दिया जाए तो प्रसन्नता ही होगी, हमको संकीर्ण देखें। एक बात है, कहीं 100 एकड़ जमीन, कहीं हमारी जमीन का अपहरण किया अवैध ढंग से और हमको 1.5 करोड़ रुपया लिखा पढ़ी के लिए देना पड़े। अच्छा, इस पर विचार होगा, आगे चुनाव आएगा, विचार हो ना हो, हमने संकेत किया। जब शंकराचार्य जो किसी दल के प्रचारक नहीं होते हैं, लगता है कि अंग्रेजों ने जो यातना नहीं दी, मुस्लिम तंत्र ने जो यातना दी, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दल उनको इतनी यातना देते, हमारे रिजर्वेशन हो या ना हो, हमारे व्यक्ति मथुरा से सूरत तक खड़े होकर जाते हैं, सरकार को कुछ नहीं, क्योंकि हमारे प्रचारक नहीं हैं। इसका मतलब जैसे भगत ये जो गुरु गोविंद सिंह के बेटे आदि को दीवार में चुनाव दिए गए, ऐ शंकराचार्य अगर तुम किसी पार्टी के द्वारा जूठे नहीं होगे तुम्हें नाक से उल्टी करवा देंगे, मुंह से भमन करवा देंगे, झक मार कर तुम्हें किसी न किसी राजनीतिक दल का एजेंट बनना पड़ेगा। जो यातना स्वतंत्र भारत में शंकराचार्यों को नहीं दी गई, यह जो दक्षिण भारत में हैदराबाद के नवाब को आदेश था यहाँ से कोई भी शंकराचार्य में चले उनका शाही सम्मान होना चाहिए, समझ गए, और स्वतंत्र भारत में पुरी के शंकराचार्य को इतना नाको दम कर दें, आधी गद्दी छोड़ असली शंकराचार्यों को लगाया गया, नकलियों को लगाया गया, एक पुरी के शंकराचार्य को क्योंकि रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया, तो चारों ओर से दबाने का क्या कांग्रेस, क्या भाजपा साहब, क्या सपा, सपा ने भी जो यातना दी है अपने शासनकाल में, यहाँ 50-50 आतंकवादी पुलिस को भेजकर यहाँ गाली दिलवाई गई है, पुरी के शंकराचार्य को जूता मारते हुए गाली देते हुए घसीट कर यहाँ लाओ, इतना लाख रुपया लो, इतना हजार लो, यह दुर्गति भी मेरी यहाँ हुई है, मैं तो प्रसन्न रहता हूँ, स्वतंत्र भारत है क्या? अराजक तत्वों को शंकराचार्य बनाकर धर्माचार्य बनाकर घुमाना, यह राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करना है। तो मैंने कहा समस्या बहुत जटिल है, लेकिन हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। क्यों प्रसन्नता की बात है? इतिहास तो उसी का उज्ज्वल होता है जिसके सामने अधिक से अधिक चुनौतियाँ हों। अब हमारे बहुत ही स्नेहास्पद सम्मान के भी पात्र उदारता आत्मीयता आह्लादपूर्वक यहाँ पधारे हैं, स्वनामधन श्री राजेंद्र जी महाभाग या अपने वचनामृतों से या वचनामृत से हमको आह्लादित करेंगे। मंगलाचरण जब तक ये करेंगे तब तक फिर लौट के आ जाऊंगा।